आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं एमएस एक्सेल बेस की, जिसमें हमने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि किस तरह से टेबल के डेटाबेस क्या होता है। अब उसमें कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो जैसे कि हम यहाँ पे हमने बात डेट एंड टाइम तक आ गए थे, करेंसी तो सिंपल है, ऑटो नंबर भी हमें बताई दिया था, यस एंड नो। तो यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई ऑप्शन चाहिए यस एंड नो फॉर्म में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंडिया, क्या आप इंडियन है, हाँ या ना में जवाब देना है। तो उस केस में यहाँ पे यस एंड नो, यस और नो। तो यस और नो करने के बाद जब डेटा एंट्री आप करेंगे ना सर, तो डेटा एंट्री करते हुए यहाँ पे इस तरह से चेक बॉक्स आएगा। जब डेटा को डाउनलोड करेंगे आप, तो वहां यस एंड नो लिखा हुआ रहे। तो यस एंड नो के जगह पे अगर मुझे और ऑप्शन चाहिए, हालांकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है बाहर, लेकिन जब डेटा इंपोर्ट करोगे या एक्सपोर्ट करोगे, तो वहां पे ट्रू एंड फॉल्स होगा या यस एंड नो होगा या ऑन और ऑफ होगा। ठीक है, और डिफॉल्ट वैल्यू वैलिडेशन रूल्स वगैरह आप अपने हिसाब से लगा सकते। अब अगला इसमें ऑप्शन है वो है आपका हाइपरलिंक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाथ। पाथ में आप हाइपरलिंक दे देता हूँ। अब क्या होगा कि जो भी हम वहां लिखेंगे वो लिंक ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक लग जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका उस पर क्लिक का ऑप्शन आ जाएगा। इस पाथ में मान लीजिए google.com क्लिक करते हैं, आपका गूगल का खुल जाएगा साइट। ठीक है, ठीक है। उसके बाद पाथ के बाद अगला हमारे पास ऑब्जेक्ट का, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोटो या डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम अटैचमेंट दे देते हैं। तो अटैचमेंट में अटैच करने का ऑप्शन देगा, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को अटैच कर सके। ठीक है, आपको ठीक है, को भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, किसी भी टाइप का। ठीक है, एक से ज्यादा भी कर सकते हो, डबल क्लिक करेंगे अब इसको ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ओके सर, हेलो, समझ में आ गया सर? हेलो, आवाज आ रही सर? हेलो, 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 सॉरी सर, मॉडम भी स्टार्ट हो गया। बोला, समझ में आ गया? अटैचमेंट समझ में आ गया आपको ना? हाँ, आ गया, आ गया। अटैचमेंट के बाद कैलकुलेशन है, जो मैंने आपको बताया था, कैलकुलेशन समझ में आया क्या? अब बात लुकअप विजार्ड की। तो लुकअप विजार्ड आपको मैं सिंपल समझाया था, याद होगा? तो यहाँ पे टाइप कर लें, टाइप कर लें, ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ हम टाइप कर लेते हैं, लेकिन मैं इस बार टाइप नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ किसी और टेबल से इसको लिंक। उसके दो पार्ट हैं, तो उसके लिए मैं एक नया टेबल क्रिएट करता हूं।
ये तो हमने मान लीजिए टेबल बना दिया, आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे। तो यहां पे हम सिटी लुकअप विजार और यहां पे हमने बोल दिया यहां पे सिटी डेटा, उसे क्या चाहिए इसका, तो इसका मुझे चाहिए सिटी एट सिटी नेक्स्ट सेंडिंग एंड डिजाइनिंग कुछ ही करना है नेक्स्ट एंड फिनिश। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, सिटी में हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया, रायपुर तक है। हमारे सिटी में मैं एक नया सिटी ऐड कर देता हूँ, उसको बंद करता हूं। यहां देखिए वो ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, लेकिन इसके लिए एक बार उसको ओपन करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, आई थिंक इसको ओपन करना पड़ेगा, वेरी ओपन करना। आ गया सर। और इस चीज और है, जैसे मैं सिटी में मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया दिल्ली, कर लिया ना सर। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ दिख रहा है सर, डिटेल्स आ रही है कुछ, जो जैसे कि सिटी ए हो गया, ए यहाँ पे क्या दिखेगा, सिटी आपने लुकअप कर लिया है तो सिटी आपके डेटा में जी होगी दिल्ली है, तो दिल्ली जितनी दिल्ली की एंट्री होगी यहाँ फिल्टर करके दिखा देगा। बट हमने कुछ लिंक वगैरह तो कुछ किया नहीं है, ये ऐसे अपने आप ही दिखा देगा। लिंक कैसे नहीं किया है, हमने इसको अपने कॉल किया है ना, वहां पे डेटा हमने कॉल किया नहीं था, तो लिंक क्रिएट कर दिया। हमने वहां पे लुकअप भी जाकर कॉल किया था ना सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक क्या है कि मेरे पास ये तो टेबल सिर्फ सिटी के लिस्ट थी, बट मेरे पास ऐसे टेबल है जो कि डेटा टेबल है सर, डेटा टेबल, जैसे ये देखिए मेरा डेटा पूरी की पूरी डेटा है। अब मुझे इसको लेना है, तो मैं कॉपी करता हूं और एक्सेस में ही पेस्ट कर दो। तो दिया सर पेस्ट, ठीक है। अब इसका कोई रीजन है ना सर, ये रीजन मुझे अपने डेटा का यहाँ पे रीजन डालना है हमें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमने ऐसे लिंक कर दिया जैसे मैंने अभी सिटी को लिंक किया है, तो एक नंबर कई बार रिपीटेड आएगा, यहाँ पे मुझे यूनिक चाहिए, तो इसमें हमारी मदद करेगा आपका क्यूरी बिजार। बिजार में मैंने यहाँ पे क्रॉस टाइप क्यूरी ले लिया टेबल में, कौन सा तो हमने बोला रीजन, रीजन कॉल्स का सम करना है, काउंट करना है, नेक्स्ट एंड फिनिश। दिख गया सर आपको रीजन का पूरा। अब मैं क्या कर रहा हूं सिटी में डेटा में डिजाइन व्यू में जा रहा हूं,
और यहाँ पर हम देते हैं रीजन, टेबल क्यूरी चाहिए ना मैं, हाँ क्यूरी क्वेरी क्वेरी हाँ बॉस की टीवी कौन सा फील्ड रीजन का फील्ड चाहिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे सारे की यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे माँ डेटा से वो यूनिक हो गया है ठीक है सर, वहां पे क्रॉस टैब में एक यूनिक रिकॉर्ड्स भी तो था, उसके थ्रू भी तो कर सकते हैं शायद हम, डुप्लीकेट रिकॉर्ड था सर, यूनिक रिकॉर्ड कहाँ था उसमें, एक सेकंड जाना और ये है कि भाई जो मैच नहीं हो कौन कौन से है, ठीक है अनमैच्ड क्रॉस टैब जो है पिवट की तरह काम करता है, पिवट टेबल की तरह काम करता है सर, पिवट टेबल में था ना हम लोग रख देते थे उठा के, तो अगर डेटा में 10 है तो क्या आएगा, समराइज भी आ जाता, हाँ तो वही समराइज दिखाता, उसी की मदद हमने ले लिया। अब आपको कभी अभी क्या करना है, देखिए वीवीए के इसके एक्सेस के कुछ फंक्शंस हैं, राइट सर, कैलकुलेटेड हम करते हैं तो कैलकुलेटेड यहाँ पे आपको फंक्शन लिस्ट खुल के आता है, फंक्शन में आप इनबिल्ड फंक्शन पे जाएंगे ऑल पे, ये सारे फॉर्मूले हैं, दिखा सर बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि आप एक्सेल के फॉर्मूले हैं आपको आता होगा, कुछ फॉर्मूले हैं जो कि एक्सेल के हैं, तो आपको क्या करना है इस सारे फॉर्मूले के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, जो फॉर्मूला आपको नहीं आता है उसका लिस्ट बना के मुझे भेज दीजिए, हम कल उन फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक। और सर हेलो समझ में आ गया ना सर, हाँ सर आ गया, तो इसमें जो फॉर्मूले नहीं आता है हम उसके ऊपर डिस्कस करें, एक तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो आपको समझा ही दिया था कि प्लस माइनस जोड़ घटाओ कैसे करेंगे, लास्ट क्लासेस में लास्ट क्लास पर, तो इसमें आप लेकिन हमें हमने फॉर्मूले हमने ज्यादा नहीं पढ़े, तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपको आते होंगे क्योंकि वो एक्सेल से है, जैसे कि एबीएस का फॉर्मूला क्या करता है, एबीएस का फॉर्मूला एब्सोल्यूट कर देता है, हाँ तो एक्सेल का फॉर्मूला है, उसी तरह से और फॉर्मूले हैं चूज का फॉर्मूला है, आप इसका चूज का बता देते चलिए ठीक है, टूथ का फॉर्मूला के लिए कैलकुलेटर चूज
चूज मी इंडेक्स नंबर मंथ, मंथ में सी डेट, मंथ निकल के आ जाएगा hmm. अब इस मंथ में अगर चार इसमें मंथ को आप क्वार्टर का पहला मंथ निकालना है, कुछ ऐसा करना है कि अगर दो हो तो एक आए, चार हो सोचता हूँ सर, बताता हूँ सर, फॉर्मूला देखिए, मैं सबसे एग्जाम्पल देता हूँ, दिमाग में एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, इसको एक बार देखिए, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। उसके बाद टेबल आपका फॉर्मूले पर डिस्कस करेंगे तो टेबल हमारा फाइनल हो जाएगा, तो आप फिर डेटा हैंडलिंग पर डिस्कस करेंगे, फिर हम फॉर्म की तरफ जाएंगे, ठीक है सर? ठीक है। कल ठीक है सर, ये वीडियो डाउनलोड, वीडियो अपलोड कर देना यार, दोनों वीडियो में कन्वर्ट करके अपलोड कर देता हूँ।